नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 12 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका 13वां चैप्टर है। तो इसमें बात करेंगे हम ध्वनि। तो चलिए इसे ध्यान से सुनिए, लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है उसे बता दिया जाता है, यानी कि इस अध्याय का पूरा निचोड़ जो होता है उसे बता दिया जाता है। अगर आप आराम से धैर्य के साथ सुनेंगे तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड पीरियड समाप्त हो गया है, यानी कि 1 घंटा, आपने बचपन में सुना होगा कि 1 घंटे के बाद दूसरे टीचर आते थे, 40 मिनट का घंटा होता था शायद उसके बाद। तो किस तरह घंटी के द्वारा पता चलता था ना कि ये पीरियड यानी कि घंटा खत्म हो गया, दूसरे सर आएंगे। अब दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तक की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। पर्याप्त पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपकी लुपा लुका छिपी का खेल खेला हुआ। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधी होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कौन खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बना सकते हैं आप। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये आपका तबला हो गया, ये आपका सितार हो गया, ये बांसुरी, ये हारमोनियम, देखा होगा ना इन्हें तो आपने, ये नारद मुनि हो गए, समझ में आया? बात करते हैं ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी जब बज ना रही हो, छूकर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? जी, क्रियाकलाप 13.1। धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छूए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए, क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? क्रियाकलाप 13.2। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? जी, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है।
क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब उसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इसमें वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप होते हैं आपके, आपको पढ़ के निकल जाना है, ठीक है? कक्षा 8वीं के बच्चे इस क्रियाविधि को करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन आपके लिए काम है कि इन्हें पढ़ना है, निकल जाना है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में कंपन में आसानी से दिखाई दे जाती है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.4। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, उसमें एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए, इसे कंपायमान भाग को पहचानिए। वाद्य यंत्र उसके कंपायमान भाग, बीड़ा ध्वनि करने वाला कंपमान भाग इसका तनित डोरी या तबला तनित झिल्ली। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम, न्यूट, मिट्टी के बर्तन तथा करतार देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश में अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? अब आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। क्रियाकलाप 13.5। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब इस एक पेंसिल लीजिए, लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे, यह आपका जल तरंग है। जल तरंग। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं, तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते हैं, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। मनुष्य मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कुछ समय तक जोर से बोलिए या फिर गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्त अनुसार 13.7। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए, क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपर ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र या काट के कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। मानव में वाक्यंत्र देख लीजिए। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं, तो वाक् तंतु कंपित होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या भी ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक् ध्वनि का प्रकार या फिर उनकी गुणता उस वाक्य ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं,
तो आइए देखते हैं कि बाघ तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 13.6। समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूंक की। जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच इस तरह से की भांति पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे बाघ तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, मिलीमीटर। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों के बाघ तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों की बाघ ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके बाद तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, आखिर ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुंचती है। क्रियाकलाप 13.7। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथ से सटा कर रखिए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि की एक विशेषता क्या होगी? निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए इसे भी जानते हैं। क्रियाकलाप 13.8। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में लाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर रखिए। सावधानी पूर्वक रखिए। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? आइए ज्ञात करते हैं, क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है? क्रियाकलाप 13.9। धातु का 1 meter स्केल अथवा धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन सकते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए क्या वे इस ध्वनि को सुन पाए। आप अपने कान को लकड़ी अथवा धातु के किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपयुक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं।
हमने देखा है कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? अब तक हमने सीखा है कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम से मैं सभी दिशाओं में संचित हो सकते हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या फिर कोई ठोस भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं आखिर? हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तली झिल्ली होती है। इसे कर्ण पटल पटय कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्ण पटल का क्या कार्य है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्ण पटल बनाएं। एक पिला क्रियाकलाप 10.10 एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए। इसमें दोनों सिरों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तनित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्रों से डिब्बों के खुले सिरों पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है, अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। कर्ण पटल एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटल को कंपित करते हैं। कर्ण पटल कंपनों को अंतर करण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। यह आपका अंतर कर्ण पटल बाह्य पटल। कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति, इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत HZ है। 1 HZ आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों की पहचान कर सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में अन्य उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? अब बात करते हैं प्रबलता तथा तारत। क्रियाकलाप 13.1 एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीरे से गिलास के किनारों से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की
तुलना कीजिए, किस स्थिति में आयाम अधिक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों के आयामों के वर्ग की समानुपातिक होती। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती। उदाहरण के लिए यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाले ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य श्वास 10 डीबी डेसिमल, मंद फुसफुसाहट 30 डीबी, सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डीबी, व्यस्त यातायात 70 डीबी, औसत फैक्ट्री 80 डीबी। 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबल इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत कम है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसके लिए कम तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारत की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आपके तीन बच्चों तथा वयस्क की आवाज सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। बात करते हैं श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनियां। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियां सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान सुन नहीं सकते हैं। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग आपकी 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की आवृत्ति की ध्वनियां को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। किनमें? कुत्तों में। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते। जाने माने पराशब्द ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए कि आपके पड़ोस आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां सुखद व्यतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का
आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या यह संगीत रहेगा? नहीं। ध्वनि प्रदूषण, आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी या परिस्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों का पर नियंत्रण करना है चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में रव सामक युक्तियां, साइलेंसर लगाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। श्रवण शक्ति पूर्णता श्रवण क्षति जो कि बिरले ही होती है, प्रयास जन्म से होती है। आंशिक आसक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी कि संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण आसक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो जा सकती है। औद्योगीय युक्तियों ने श्रवण शक्ति ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या जाना है, किन परिभाषाएं जानी, किन किन शब्दों की, आयाम, करण पटय, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत, आवर्तकाल, कंपन, वाक्यंत, श्वास मिली, उन्हीं शब्दों को आपको जानना है। ठीक है, आपने क्या सीख लिया है? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम यानी कि गैस, द्रव या ठोस में संचारित होती है या निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। करण पटय ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज़ में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत
अधिक होता है, ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसी से संबंधित, इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस इन्हें देख सकते हैं, और जो आपकी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इतने सरल शब्दों में लिखी गई है, पूरी कहानी का रूप दे दिया गया है, तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है, निकल जाना है। क्या आप जानते हैं भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह बहुत से इंजीनियरों, इंजीनियरी अभियांत्रिकी तथा वास्तु आर्किटेक्चर अजूबों के लिए प्रसिद्ध। जल पिताय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है यहाँ का, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुम्बद है। इस गुम्बद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियों से उत्पन्न ध्वनि अनुरणित गूंजती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था तो गुम्बद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर ताली बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। देखा, पहले के लोग भी कितने चतुर थे। तो ये 13वां चैप्टर था आपका ध्वनि। 14वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव।